जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह की अध्यक्षता में 1 नवंबर से मंडल में शुरू हो रही धान खरीद की समीक्षा बैठक जीडीए सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी होने वाले धान खरीद में किसानों को अपना धान विक्रय करने में किसी तरह की समस्या न होने पाए तथा सरकार के नीति अनुसार समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों से मित्रवत व शालीनता से व्यवहार किया जाए और उनकी बात को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में मंडल के समस्त जनपदों के गांव ब्लॉकों में विशेष रूप से कैंप लगाकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का सुधार कार्य कराया जाए। उन्होंने खाद वितरण अधिकारियों को मंडल के चारों जनपदों में कोटेदार के बकाया लाभांश का भुगतान यथाशीघ्र कराने के कड़े निर्देश दिए। इस अवसर पर DFMO गोरखपुर राकेश मोहन पांडे, जितेंद्र यादव, अखिलेश सिंह, विनय प्रताप सिंह, RO नागेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सारे केंद्रों पर टोटल होने के आप टारगेट क्या है? केंद्र का लक्ष्य तो सर नहीं मिला। गोरखपुर में सर हमारे 24 हैं। 24 ठीक है। देवरिया में 20 है सर। कुशीनगर में 13 और महाराजगंज में 34 सर। इसमें आप 30 दिखाए गए सर। 30 स्वीकृत हुए थे पंजीकृत सोसाइटी पहले, उसमें स्वीकृत हो गए थे जो बाद में आ गया शासन आदेश के इनको नहीं बना। कैसे करना है सर? देखिए यार, मैं दूसरी मुद्दा दूसरी मुद्रा में चल रहा है। आप लोग जैसे पहले सब इतनी बार समझाया, इलेक्शन का समय है, ये छोटी छोटी घटनाएं कैसे मीडिया में चल रही है मिला के हैं, जिसमें 6 पीस गोरखपुर में है, 9 महाराजगंज लिखा हुआ सर, 13 पंजीकृत वाले कैंसिल हैं। इसको जल्दी चाहिए ना भाई, आपकी कितनी जवाबदारी है सर? मैं सर ये लोगों को मिल के माध्यम से मिलना है सर। मैं कल DO साहब से पर्सनली मिला हूँ, या साहब ने कहा है ये कुछ में करा दिया जाए, सरकार करा दी जा रहा है, जल्दी समय नहीं है। नीतियों की व्यवस्था बनाई जा रही है क्योंकि टैक्स में आना पड़ेगा सर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, शिकायत जो भी हुआ हो पिछले 4 साल में लगता है सब बड़े बड़े कारखाने आप लोग करके यहाँ बैठे हो, परंतु इस साल आप ऐसे नफे नहीं लेंगे समझ नहीं सकते। बस उससे आप जरूर रहेंगे, 2 गलती भी करेंगे जब मैं जांच करूंगा, जब 10 लोग बोलेंगे नहीं अच्छे अधिकारी है या अच्छा जो भी है, और एक आध गलती होगी तो माफ हो सकती है। लेकिन अगर किसानों के प्रति व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, किसी का भी परेशान किया जा रहा है, उसको धान खरीद में दिक्कत हो रही है, फिर बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए। हो सकता आप लोग सोच रहे हो कि तो बहुत हम लोग देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, परंतु इस साल होगा और आप लोगों को भी पता है कि क्यों होगा। तो किसान परेशान नहीं होना चाहिए, इसीलिए सरकार बार बार इस बार आप लोगों ने देखा होगा 4 दिन का किया हुआ है छोटे किसानों के लिए, ठीक है, तो वो एक संकेत है कि हमें उनका ख्याल रखना है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैं श्योर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप लोग अच्छा करते हो, परंतु फिर भी एक तरह की चेतावनी देना जरूरी है। पूरा विश्वास है, फिर भी मेरे हिसाब से एक आपको वार्निंग मिलना जरूरी है क्योंकि बहुत जोर से लीजिएगा। काम दूसरे नंबर पर है, व्यवहार पहले नंबर पर है। आप किसानों के प्रति व्यवहार अच्छा रखेंगे, काम होगा वो भी सपोर्ट करेगा, आपको सहयोग करेगा, आपकी मार्केट में अच्छी इमेज होगी। एक बार अगर कोई उस टाइप का भी होता है जो परेशान करने का प्रयास कोई करता है ऐसा हो सकता है, तो आप सुनिधि तरीके से तो उसमें आप लोग बचे रहे। अगर गाँव में सर देवरिया में और आप वो करिए सर, किसी में सर हमारे